नोटबंदी को 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस की तरफ से जंतर मंतर से आरबीआई तक एक कैंडल मार्च निकाला गया। हालांकि पार्लियामेंट स्ट्रीट पे इस मार्च को रोक दिया गया सुरक्षा कारणों की वजह से। हमारे साथ महिला कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए कि कैंडल मार्च का क्या मकसद है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? हम लोग ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2 साल में जो भी किया है कुछ भी मतलब नहीं किया है, और उनको करना चाहिए था। वो पीएम की पोस्ट में है, पीएम के हिसाब से उनको बहुत कुछ करना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए बताती हूँ, मैं एक विकलांग लेडी हूँ, उसके बाद मेरा बेटा घर पर बैठा हुआ था। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता रही हूँ, बीजेपी की कार्यकर्ता रहने के बाद भी उनको अपने कार्यकर्ताओं का होश नहीं है, तो आगे किसके लिए काम करेंगे? वो किसान मर रहे हैं, किसानों के लिए उनके लिए टाइम नहीं है। यूपी में योगी जी अयोध्या मंदिर बनवाने के लिए बात कर रहे हैं, अयोध्या मंदिर बनवा के या देश में क्या आगे नाम बदल के देश चलते हैं? नाम बदल के देश कभी नहीं चलते, नाम जो है उसको रहने दीजिए। जो गरीब लोग हैं, जिनको परेशानियां हैं, मोदी जी को उनको ध्यान देना चाहिए। नोटबंदी में बात कर रहे हैं मैडम, ये बताइए कि जो मकसद था नोटबंदी से कि काला धन वापस आएगा, जो टेररिज्म है वो खत्म होगा, और तमाम तरीके की जो है ख्वाब देखे गए थे कि नोटबंदी से ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सपना है वो अधूरा रह गया? हाँ जी, सपना अधूरा ही रह गया हम लोगों का, क्योंकि जो काला धन आना था वो काला धन आया नहीं। जो मोदी जी ने कहा था नहीं काला धन आएगा, वो काला धन आया ही नहीं, क्योंकि अपने ही उन्होंने सब कुछ अपने लिए सोचा, क्योंकि पब्लिक के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। आज हम लोग महिला इतनी परेशान है, हमारे बच्चे घर में बिना नौकरी के बैठे हैं, हम लोग इतनी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। तो हमने इसी कारण ही आज ये नोटबंदी आज के दिन ही मोदी जी ने बंद की थी, इसी कारण आज रक्षा भैया दूज है, उसके बाद भी हम लोग महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, सिर्फ इसी कारण कि मोदी जी को याद दिलाने के लिए। भाई आज के दिन ही आपने मेरा मतलब काला धन लाने के लिए वादा किया था, काला धन नहीं आया, और आपके सारे वादे झूठे निकले। मोदी जी झूठे और झूठे ही रहेंगे। आज से 2 साल पहले नोटबंदी के लिए बोला गया था कि बहुत काला धन वापस आएगा, नौकरियां आएंगी। आप देखिए जितने भी यंगस्टर हैं वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं, और लेडीज हद से ज़्यादा परेशान है। मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है और वो ना वो करेंगे, इसलिए मेरी गुजारिश है अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें अपनी पोस्ट से। अभी भी कोई महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, अब देखिए ये हम महिलाएं जब उतरी हैं रोड पे आज, तो देखिए सिलेंडर महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, क्योंकि लेडीज़ को घर देखना होता है, वो घर कैसे देखेंगी, कैसे देखें? महंगाई इतनी है, उनका सारा बजट हिल गया है कि कहाँ से वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें फेल हैं। मोदी जी सिर्फ घूमने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, बस वो घूमते रहते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। उनको सोचना चाहिए, अगर कुछ करना है तो करके दिखाएं ना। आज 2 साल से जनता परेशान है, क्या किया है? पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो मेरी यही गुजारिश है अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज वो इस्तीफा दे दें। वो देखा जा सकता है, और हाथों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मोमबत्तियां लेकर यहां पर कांग्रेस निकली है। हालांकि ये मार्च जो है आरबीआई तक जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ही इस कैंडल मार्च को रोक दिया। लेकिन फिलहाल नोटबंदी के 2 साल पूरे हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जनता को एक बार फिर से बताया जाए कि नोटबंदी की वजह से लोग परेशान तो बहुत ज्यादा हुए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं निकला। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।